नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे 40-45-15 ई ट्रैक्टर के सभी फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर आप 48 HP श्रेणी में कोई अच्छा ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो यह ट्रैक्टर आपके लिए काफी बेहतर विकल्प है। इस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह ट्रैक्टर 2-व्हील ड्राइव व 4-व्हील ड्राइव दोनों वेरियंट में मिलता है। आप अपने काम के हिसाब से कोई सा भी वेरियंट ले सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इसके 2-व्हील ड्राइव वेरिएंट का रिव्यू करके बताएंगे। इस ट्रैक्टर में सामने की तरफ तेज रोशनी वाली और शानदार डिजाइन वाली DRL हेडलाइट्स दी गई हैं, जिनकी तेज रोशनी में आप रात के समय आसानी से काम कर सकते हैं। LED लाइट्स वाले स्टाइलिश टेल लैंप्स दिए गए हैं और पीछे की तरफ भी एक लाइट दी गई है, जो रात के समय काम करने में काफी उपयोगी होती है। आगे की तरफ वजन भी दिया हुआ है, जिससे भारी उपकरणों के साथ काम करते हुए ट्रैक्टर आगे से उठता नहीं है। इसका बोनट सिंगल पीस दिया हुआ है, जिसे आप एक बटन की सहायता से आसानी से खोलकर मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं। बोनट के अंदर ही बैटरी दी गई है, जिससे बैटरी सुरक्षित रहती है। अल्टरनेटर और स्टार्टर मोटर भी दी गई है और ट्रॉली में लाइट व इंडिकेटर कनेक्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया गया है। इंजन को ठंडा रखने के लिए बड़ा रेडिएटर और कूलेंट टैंक दिया गया है। इसका एयर फिल्टर ड्राई टाइप का होता है। फ्रंट एक्सल सीधा व नॉन एडजस्टेबल दिया गया है और यह काफी मजबूत होता है। अगर आप सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों व कृषि उपकरणों की कीमत सहित पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.tractorjunction.com पर जरूर विजिट करें और ट्रैक्टर जंक्शन का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें। इसके इंजन की बात करें तो 40-45-15 ई ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर और 48 HP की ताकत वाला इंजन दिया गया है, जिसकी इंजन रेटेड RPM 1900 दी गई है। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको मिलती है 205 Nm की शानदार टॉर्क, जिससे आप भारी ट्रॉली व अन्य भारी उपकरणों के साथ आराम से काम कर सकते हैं। 40-45-15 ई ट्रैक्टर में कॉन्स्टेंट मैच टाइप का ट्रांसमिशन दिया गया है, जो साइड शिफ्ट होता है, जिससे इसका प्लेटफार्म काफी खुला होता है और आपके पैरों को पूरा आराम मिलता है। इसमें 10 गियर आगे के लिए और 5 गियर पीछे के लिए दिए गए हैं। इस ट्रैक्टर में सिंगल व ड्यूअल क्लच का ऑप्शन मिलता है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। ब्रेक की बात करें तो 40-45-15 ई ट्रैक्टर में मल्टी डिस्क आउटबोर्ड तेल में डूबे हुए ब्रेक दिए गए हैं, जिनका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है और ये चलते भी ज्यादा हैं। इस ट्रैक्टर की आगे की तरफ चलने की अधिकतम स्पीड 35.9 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जिससे आप ढुलाई के काम भी अच्छी तरह कर सकते हैं। इसकी ड्राइविंग सीट काफी आरामदायक और एडजस्टेबल दी गई है। इसे आप एक लीवर की सहायता से अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग सीट के पीछे रिफ्लेक्टर और बोतल होल्डर दिए गए हैं और फेंडर गार्ड भी दिया हुआ है। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको मिलती है सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग, जिसको बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इससे आपके हाथ दुखेंगे नहीं, जिससे आप लंबे समय तक बिना परेशानी के काम कर सकते हैं। इसकी PTO की बात करें तो इसमें 540 RPM पर काम करने वाली PTO मिलती है। PTO को कंट्रोल करने का लीवर सीट के पास ही दिया हुआ है। इसकी PTO पावर 44.4 HP की होती है। 55 लीटर का डीजल टैंक दिया गया है और डीजल से पानी को अलग करने के लिए यहाँ वाटर सेपरेटर भी दिया हुआ है। यहीं टूल बॉक्स भी दिया गया है। शानदार डिजाइन वाला डैशबोर्ड दिया गया है, जिसमें आप ट्रैक्टर से जुड़े कई संकेत देख सकते हैं। स्टीयरिंग के पास ही हाथ की रेस दी गई है और यहीं एक कॉम्बो स्विच भी दिया हुआ है, जिसमें लाइट, इंडिकेटर और हॉर्न के स्विच होते हैं। ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए सुविधाजनक पायदान दिया गया है और एक हैंडल स्टीयरिंग के पास दिया गया है, जिसे पकड़कर आसानी से ट्रैक्टर पर चढ़ सकते हैं। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में जापानी तकनीक काम में ली गई है, जो कि काफी एडवांस और आधुनिक मानी जाती है। आपकी सुविधा के हिसाब से इस ट्रैक्टर में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। ड्राइविंग सीट के पास ही पार्किंग ब्रेक दिए गए हैं और यहीं ट्रांसपोर्ट लॉक भी दिया गया है। एक प्लेट यहाँ दी गई है, जिस पर आप ट्रैक्टर से जुड़ी कई जानकारियाँ पा सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर मॉडल, ट्रैक्टर बनने का समय, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, PTO पावर और SFC की जानकारी। 40-45-15 ई ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करें तो इसमें ADDC टाइप की हाइड्रोलिक दी गई है, जिसकी लिफ्टिंग की क्षमता 2000 किलोग्राम की होती है। इससे आप भारी उपकरण भी आराम से चला सकते हैं। 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम दिया गया है, जिससे आप अपनी जमीन के हिसाब से उपकरण सेट कर सकते हैं। यहाँ ड्राफ्ट और पोजीशन कंट्रोल लीवर दिए गए हैं। कंपनी फिटेड हिच भी दिया गया है, जो कि एडजस्टेबल होता है, अपनी जरूरत के हिसाब से सेट किया जा सकता है। सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व दिया गया है और इसको कंट्रोल करने का लीवर इसके पास ही दिया हुआ है।
इस ट्रैक्टर में आगे वाले टायर 616 व 6516 के विकल्प में मिलते हैं और पीछे वाले टायर 13628 व 14928 के विकल्प में मिलते हैं। आप अपने काम के हिसाब से चुन सकते हैं। इनमें स्लिपेज की समस्या नहीं होती और ट्रैक्टर खेती व ढुलाई के सभी कामों में अच्छी पकड़ के साथ चलता है। इस ट्रैक्टर के वजन व डायमेंशन की बात करें तो इसका कुल वजन 2060 किलोग्राम होता है। ट्रैक्टर की लंबाई 3590 mm की होती है, चौड़ाई 1800 mm से 1830 mm की होती है और इसका व्हील बेस 2090 mm का होता है और इस ट्रैक्टर की वारंटी 5 साल की आती है। तो किसान भाइयों, ये था सोलिस का शानदार ट्रैक्टर सोलिस 4515E। यह ट्रैक्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। किसी और ट्रैक्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।